तो बहुत खराब हो गई है। जो वाले आकर उसे अडॉप्ट कर लेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो सोचा वहाँ का ब्लॉग कर लूँ, तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग किशोरगंज चौक से होते हुए पहाड़ी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, और पहाड़ी मंदिर किशोरगंज और रातू रोड चौक के बीच में स्थित है। तो गाइज़ ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जहां आपको पूजा सामग्री मिल जाएगी और आपको अपने जूते चप्पल रखने की भी सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों पहाड़ी मंदिर जो कि पहाड़ी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, काफी पुराना बताया जाता है। 1905 के आसपास ही पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, और पहाड़ी के शिखर पर होने के कारण यह मंदिर 300 फीट की ऊंचाई पर है, और इसी कारण हमें 428 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई है। मैं तो काफी एनर्जेटिक हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दौड़ते हुए सारी सीढ़ियां कवर कर लूंगा। मैं बोल रही थी कि मुझे गोद को उठा के आगे ले जाए, बट ले नहीं जा रहा है, क्या कर रहा हूँ। जो मूवी है ना, इसमें ऐसा चेन्नई एक्सप्रेस है, वो पॉसिबल नहीं है। दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता, वो भी फीमेल फ्रेंड के लिए, क्योंकि लोग फिर यहाँ गलत सोचेंगे। पर गाइस काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और बचपन में हम जब यहाँ पर आते थे, पहाड़ी मंदिर आते थे, हम दौड़ कर चढ़ते थे सबसे ऊपर, सबसे आगे दौड़ दौड़ कर जाते थे। अभी नहीं दौड़ सकते, अब इसलिए नहीं दौड़ सकते क्योंकि ये न्यू है यहाँ पर, ये पहली बार आ रही है यहाँ पर, ये खो जाएगी ना। अब ऐसे भी बच्ची है तो पॉकेट में कोई लेकर चल जाएगा, देख रहे हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अक्षित काफी एक्साइटेड वे में आगे बढ़ता जा रहा है। 96 सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आ गए हैं, और हमें अब थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी है, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाली जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पहुँच कर हम लोग पूजा और अर्चना करेंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधा ऊपर, और ऊपर तो ऐसे अलाउ नहीं है वीडियो और फोटो, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा व्यू आपको दिखा सके। मंदिर का वो पार्ट है जहाँ मनोकामनाएं मांगकर माता की चुनरी बांधी जाती है। दोस्तों इस मंदिर की खासियत यहाँ की स्थित नाग गुफा भी है, और श्रद्धालु काफी श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पूजा कर लिया है, और शिया कह रही है कि उसे घर नहीं जाना है, तो मैं तो सोच रहा हूँ उसे यहीं छोड़ दूं और एनजीओ वाले आकर उसे अडॉप्ट कर लेंगे। वातावरण काफी शांत और बहुत अच्छा लग रहा है, और हवा भी काफी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और मुझे तो सच बताऊं बिल्कुल घर जाने का मन नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और सारी थकान दूर हो गई, और पूजा करके पूरा मन शांत हो गया, और काफी अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसके मन में हमेशा हलचल मची रहती है ना, हलचल नहीं मची रहती है, वो
आई एम वेरी पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन और मैं सर कुछ भी चीज़ों को लगन से करता हूँ. सो करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करो, तुम कुछ भी मत बोला करो. तो मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें यहीं छोड़ दूँ. छोड़ दो, मुझे तो यह बहुत अच्छा लग रहा है. तो देखो फिर मैं शाम में जाऊँगी, तुम चले जाओ, मैं यहाँ आराम से बैठ करके बैठूंगी और फिर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का. तो देखो कोई आएगा पॉकेट में लेके चल जाएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें. बच्चे समझ के भी पॉकेट में लेके चल जाएगा तुम्हें. और गाइस मैं आपको बता दूं, आज भी इसे टाइम लगा थोड़ा तैयार होने में. अब और नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा अब और नहीं. क्यों, लोगों को पता होना चाहिए ना, लोगों को छुपाना क्या. अब तो ये भी हमारे लाइफ के पार्ट है, तो इन्हें भी पता होना चाहिए ना. तो और गाइस सीढ़ी चढ़ते वक्त भी इसे काफी दिक्कत हुई है. और 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद इसने बस बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने इसे इनकरेज किया तो फिर धीरे धीरे उसने सीढ़ी को कंप्लीट किया. तो काफी, और मैंने तो वन गो में ही पूरा सीढ़ी चढ़. और बचपन में जब हम लोग यहाँ पर आते थे तो मैं एक बार में पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाता था. बट अभी मुझे थोड़ा रुकना पड़ा क्योंकि एज हो रहा है अब ये, इसलिए क्योंकि ये पहली बार आई है और इसे मतलब यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो ये खो जाती है. वैसे भी छोटी है ना, कोई पॉकेट में लेके चल जाती है, मुझे इसे गाइड करना पड़ता है. और अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ, यहाँ पर फोटो सेशन होता है और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, फोटो क्लिक कर आते हैं. हम लोग थोड़ा थक गए थे तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बैठ के थोड़ा आराम करें, थोड़े फोटो क्लिक. मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोगों ने शनि मंदिर में भी पूजा अर्चना की. तो गाइस जैसा कि आज सैटरडे है तो हमें खिचड़ी एज अ प्रसाद मिला और ये काफी टेस्टी था. तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है और ऐसे ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे. तो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड डू सपोर्ट. सो मच लव टू ऑल.